जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। तो देखिएगा, BSF की तरफ से आप सभी के लिए एक बहुत ही जो अच्छी अपडेट है वो आपकी आ चुकी है, जिस चीज़ का काफ़ी लंबे समय से आपको इंतज़ार था। BSF में जो आपके ASI और हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के एडमिट कार्ड हैं वो अब आपके फाइनली आउट हो चुके हैं, जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड कैसे आपको डाउनलोड करना है वो आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ में ये जो आपका एडमिट कार्ड आउट हुआ है वो है आपका फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें आपका PhD और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये आपका कैसे होने वाला है, चलिएगा सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये जो BSF की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो आपका कॉर्नर है कैंडिडेट लॉगिन का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये जो आपका पेज है वो ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी ईमेल आईडी फॉर्म में आपने डाली थी वो आपको फिल करनी है। इसके बाद जो आपका पासवर्ड है वो आपको फिल करना है, और फिर यहाँ पर I am not a robot, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको जो है लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो पूरी प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो ये जो आपका फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो अपना पासवर्ड है वो भी आप रिकवर कर सकते हैं। तो जब आपकी पूरी प्रोफाइल ओपन हो जाती है तो जो भी यहाँ पर आपने फॉर्म फिल किया है उसका डाटा आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी ASI और हेड कॉन्स्टेबल की। तो इसमें ये जो आपका एक्शन का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये जो तीन ऑप्शन हैं वो ओपन होंगे। तो अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड करने के लिए प्रिंट एडमिट कार्ड सबसे नीचे जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर इस तरीके से ये जो आपका ऑफिशियल एडमिट कार्ड है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो पोस्ट का नाम है वो आप लोग देख सकते हैं, हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल। इसके बाद जो यहाँ पर आपका ऊपर डाटा है वो है फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन, जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस तरीके से जो अपना एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कब, किस डेट को, कहाँ पर आपका जो है PhD डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, यहाँ पर अपने एडमिट कार्ड में वो आप सब चेक कर पाएंगे। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन के DV में, वो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये जो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो आपको लेकर जाना है। अपने एडमिट कार्ड के साथ एक फ़ोटो ID जो प्रूफ है वो भी आपको लेकर जाना है, जो कि यहाँ पर आपका आधार कार्ड हो सकता है, वो आप जो है लेकर जा सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म में लगाए थे वो सभी के सभी आपको लेकर जाने हैं। और याद रखिएगा, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो ओरिजिनल के साथ साथ उनके जो फोटोकॉपीज हैं, जो कि आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, वो भी आपको लेकर जानी है। तो याद रखिएगा, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनकी फ़ोटोकॉपी वो आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट जैसे कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो आपने फॉर्म में ऐड किए थे, जैसे कि आपके 10th क्लास है, प्लस 2 क्लास है, या फिर आपने कोई जो हायर क्वालिफिकेशन ऐड की थी अपने फॉर्म में, वो भी आपको लेकर जानी है। अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है OBC, SC, ST और EWS, इन सभी को यह आपका डाटा लेकर जाना है। इसके अलावा जो भी आपका डोमिसाइल है वो आपको लेकर जाना है। अगर यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस या फिर कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर्म में आपने ऐड की थी वो भी आपको लेकर जानी होगी। और यहाँ पर जो आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है वो भी आपको लेकर जानी है, आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जो PhD आपका होने वाला है उसको हम बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट।
इसमें जो आपकी हाइट है, जो आपकी चेस्ट है और जो आपका वेट है वो आपका मेजर किया जाएगा। जो आपकी हाइट है, जो मेल कैंडिडेट हैं ST कैटेगरी को छोड़कर, और यहाँ पर ये जो कुछ आपके स्टेट दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर, या फिर आपके डोगरा जो कैंडिडेट हैं, मराठा जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पर आपके गोरखा जो कैंडिडेट हैं, इन सभी कैंडिडेट को छोड़कर जो आपकी हाइट है वो 165 होनी चाहिए, फीमेल के आपकी 155 होनी चाहिए। जो ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 150 होनी चाहिए। और यहाँ पर ये जो आपके स्टेट हैं, ये जो आपकी कैटेगरी हैं, इनकी हाइट भी आपकी जो है ST की तरह आपकी रखी गई है, बोथ मेल एंड फीमेल की। इसके बाद जो आपकी चेस्ट है, जनरल, OBC, SC, AWS, इनके लिए बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद आपके जो है 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आपका 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, जो फुलाव है वो आपका होना चाहिए। जो ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर जो हाइट है वो 76 सेंटीमीटर रखी गई है, फुलाव जो है वो भी आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये है आपका हाइट और चेस्ट का क्राइटेरिया। जो वेट है वो आपका हाइट के अनुसार रखा गया है और आपकी एज के अनुसार रखा गया है। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस आपकी PST और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ये आपका फर्स्ट फेज है। जो सेकंड फेज है वो है आपका रिटन एग्जामिनेशन। जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है उसके बिल्कुल एग्जैक्ट जो डेट है वो आपको हम बताने वाले हैं अगली वीडियो में। शायद ही आपको किसी ने जो एग्जैक्ट डेट है वह बताई होगी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट विद गारंटी के साथ एग्जाम डेट आपको बताने वाले हैं, और उसी डेट को आपका एग्जाम होगा यह भी आपको हम पूरा गारंटी देते हैं। तो यहाँ पर आपके जो पहली फेज की जानकारी है वो आपको प्रोवाइड कर दी है। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे के लिए जुड़े रहिएगा। जय हिंद।